Ashmit, unmute yourself. I'm giving you the option to unmute. And tell me what is the difference between axiom and postulate. Ashmit, unmute. Unmute yourself. Yes, bache. What is the difference between the axiom and postulate? You would have read yesterday also, you were not having your period. So in that meantime, you could have learned. One hand I can see raised. Okay, Ashpreet. Ma'am, postulates are only related to geometry and axiom can be used in mathematics in any topic. Very good. Aapke jo axioms hain that can be applied to any part of the mathematics, that can be arithmetic, algebra as well as geometry. But jo aapke postulates hain that are related to your geometry only, triangles ho gaye, quadrilaterals ho gaye, wo aap sirf unhi pe apply kar sakte ho. अब जब ये आप स्टेटमेंट्स यूज करते हो यूक्लिड के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं और एक्सियम्स हैं इनको यूज करके आप फर्दर जो रिजल्ट्स प्रूव करते हो उन रिजल्ट्स में आप क्या करते हो कुछ ना कुछ डिडक्टिव रीजनिंग देते हो उनको जो है प्रूव करने के लिए जैसे आप थ्योरम्स आगे प्रूव करते हो तो इनको जो है मतलब आप कह सकते हो कि जो यूक्लिड ने ये 465 जो हमें प्रोपोजिशंस दिए थे प्रोपोजिशंस क्या हैं प्रोपोजिशंस को आप जो है थ्योरम्स भी बोलते हो कि जिनको मतलब ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स यूज करके आप प्रूव कर रहे हो तो वो जो उसने 465 प्रोपोजिशंस जो है वो उनकी एक लॉजिकल चेन जो है वो डिड्यूस की यूजिंग द एक्सियम्स यूजिंग द पोस्टुलेट्स यूजिंग द डेफिनेशंस और जितनी भी थ्योरम्स उसने पहले प्रूव की थी उन सबको यूज करके यूक्लिड ने 465 प्रोपोजिशन जो है वो डिड्यूस की तो दिस इज अगेन योर वन मार्क क्वेश्चन तो इनको जो है जो आपकी ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं एक्सियम्स हैं पोस्टुलेट्स हैं इनके प्रूफ्स की जरूरत नहीं होती है दीज आर ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स और इन स्टेटमेंट्स को यूज करके आगे फर्दर आप जो है और थ्योरम्स वगैरह को प्रूव कर सकते हो अब 5.1 एक्सरसाइज में आएंगे आप उससे पहले सी योर एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल वन में वी आर गिवन इफ ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ लाइन हमें एक लाइन गिवन है इस पे थ्री पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी तो हमें क्या बताना है और ये कंडीशन गिवन है दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी ए बी सी एक लाइन पे पॉइंट्स गिवन है बी लाइज बिटवीन ए एंड सी And what we are to prove that AB plus BC is equal to AC. मुझे ये शो करना है गिवन है मुझे एक स्ट्रेट लाइन जिसपे तीन पॉइंट्स गिवन है ए बी सी बी जो है दैट लाइज बिटवीन ए एंड सी एंड आई हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी जो है दैट इज इक्वल टू ए सी अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर एग्जाम फोर है आपकी थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर यहाँ पे देखो दिस इज ए बी दिस इज योर बी सी जब इन दोनों को आप एड करते हो तो दिस ए बी प्लस बी सी इज कोइंसाइडिंग विद दिस ए सी ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी को क्या कर रहा है सुपर इम्पोज कर रहा है ओवरलैप कर रहा है तो एक्सियम फोर के अकॉर्डिंगली थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल तो ए बी प्लस बी सी जो है दैट इज कोइंसाइडिंग विद ए सी देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी उसके बाद एग्जाम्पल टू आपको उस दिन मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है आप किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट से ड्रॉ कर सकते हो तो यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट यूज होता है दैट इज आप ये लेके चलोगे अगर कि ये हमने लाइन ले ली ए बी यहाँ पे ए पे कंपस रख के बी जितनी कंपस खोल के ये हमने आर्क लगा ली सेम कम जो है ए बी लेंथ की कंपस ओपन करके आपने ये लाइन लगाई तो जब आप इनको ज्वाइन करते हो गेट दिस ट्रायंगल अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो ए सी जो है दैट इज इक्वल टू ए बी अगेन बी सी जो है दैट इज इक्वल टू ए बी अब यहाँ पे अगेन आपकी एग्जाम यूज हो रही है
इफ जो आपकी टू थिंग्स हैं दैट आर इक्वल टू सेम थिंग, ए सी भी ए बी के इक्वल है, बी सी भी ए बी के इक्वल है, इफ दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज टू आर इक्वल टू वन ईच अदर. यू कैन से ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए सी भी ए बी के इक्वल है, बी सी भी ए बी के इक्वल है, तो ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगेन वी हैव यूज्ड एन एक्सियम ओवर हियर दैट ए बी इक्वल टू ए सी है. सेम वे में ए बी इक्वल टू बी सी है, तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. तो यूक्लिड का एक्सियम हमने यूज किया, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसलिए तीनों आपके इक्वल हो गए, तो आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. उसके बाद टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. अगर हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइंस, दो अलग अलग लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी. यू कैन सी क्लियरली कि जो दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, दैट कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट. एक पॉइंट से ज्यादा पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. इन केस अगर मैं इस वाली लाइन को रोटेट कर देती हूँ, इस वाली लाइन को मैं घुमा देती हूँ, कहीं पे भी मूव करती हूँ, तो ये अगर मैंने यहाँ मूव की ये पोजिशन हो जाएगी. मैंने अगर इसको ऐसे मूव किया, यहाँ अगेन इट इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. अगर इसको मैंने ऐसे मूव कर दिया, अगेन दिस इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. सो एक लाइन अगर मैं फिक्स करके दूसरी को मूव भी करती हूँ, तो मैक्सिमम ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. दो लाइंस जब आपको पता है इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज अ सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है. तो दिस इज योर थ्योरम 5.1 दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. अब अगर हम ये मान भी लें कि ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी और क्यू पे, तो आप क्या लेके चलोगे कि ये एक लाइन मैंने एल ले ली और एक लाइन मैंने एम ले ली, जो मान लिया मैंने कि पी पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और क्यू पे भी इंटरसेक्ट कर रही है. तो अब ये हमने वैसे अगर हम देखें तो इसको फिगर के अकॉर्डिंगली नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक ही लाइन को मैं टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखा सकती. तो सिर्फ इसको आप एज्यूम करके लिख सकते हो कि लेट इफ पॉसिबल दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू. लेकिन हमारी एजम्पशन जो है वो किस पॉस्टुलेट के साथ जो है वो क्लैश करेगी कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये आपका एक्सियम गिवन है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम. एक्सियम 5.1 यू कैन सी. अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कह रहे हैं कि ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, हमने ले लिया कि ये एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एजम्पशन है ये हमारे एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. जो एक्सियम हमारा ये कहता था कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इसके अकॉर्डिंगली ये वाला पॉइंट पी और क्यू जो है वो एल पे भी है और पी और क्यू जो है वो एम पे भी है. इट मींस ये आपके दो पॉइंट्स हो गए दो डिफरेंट लाइंस पे. तो ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो इस इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से अगर एल पास कर रही है तो एम कैन नॉट पास, क्योंकि एक्सियम को हम रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते. सो दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स कि जो हमने ये लिया कि M intersects this L at P and Q. So this is the reason. Now exercise 5.1 question number 1. Question number 1 में हमें उसने क्या कहा है, पहले which of the following statements are true and which are false. Give reason for your answer. आपको reasons देने हैं कि कौन सी statements आपकी true हैं और कौन सी statements आपकी false हैं. First point है हमारा यहाँ पे only वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जो है वो आपकी पास कर सकती है. एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आंसर. ये मुझे पॉइंट गिवन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू वन
point. Okay, Arshpreet. Ma'am, it is false. Because there can be infinite number of lines that can be drawn through a single point. क्योंकि हमें जो है starting में ये axiom postulate given है. First postulate कहता है a line may be drawn from a given point to another point. एक point से दूसरे point पे हम line draw कर सकते हैं. तो अगर मुझे ये एक fixed point given है तो ये मैं ऐसे line draw कर सकती हूँ, ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, इस पॉइंट से लाइन आपकी ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि एक ये मुझे पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट से हम किसी भी साइड पे जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रीजन हो गया आपका ये कि फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली अ लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अगर एक पॉइंट मुझे गिवन है तो दूसरा पॉइंट हम शिफ्ट करके वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस फ्रॉम हियर. नाउ सेकंड पॉइंट क्वेश्चन. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अगेन ये हमने अभी किया है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओनली one line can pass through two distinct points. So this one is again false. Now the third part. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. Ye bhi aapka postulate hai. Okay, Diya, you can answer. I'm giving you the option to unmute. One by one, you can unmute yourself and answer. Yes, ma'am. Ma'am, it is true because according to postulate two, a terminated line can be produced indefinitely. Very good. This one is true because postulate two says a terminated line can be produced indefinitely. अगर एक line जो है हमें given है terminate की हुई है जिसके यानी कि end points आप कहो कि given है आपको, ये लाइन मुझे गिवन है तो दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली टू एनी ऑफ द साइड्स. किसी भी साइड पे आप इसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. देन द फोर्थ पार्ट. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. ओनली टू हैंड्स आई कैन सी. ट्रू. वुड यू लाइक टू आंसर वंशिका? Okay, Purvi, will you try? Yes, ma'am. Anji, bachi, bataiye. If two circles are equal, then their radii are equal. Ma'am, true. Why? Ma'am, if two circles are... Anji? Dekho, do circles agar mujhe given hai, जो मैं कहूं कि इक्वल हैं, तो एक सर्कल को अगर मैं दूसरे सर्कल के ऊपर प्लेस कर देती हूँ, मुझे नहीं पता इनके रेडियाई कितने हैं, एक का रेडियस अगर मैं ए मानती हूँ, एक का रेडियस अगर मैं बी मानती हूँ, और मुझे वो गिवन है कि बोथ ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल पे रखने पे क्या होगा? दे बोथ विल कोइंसाइड. अगर वो दोनों सर्कल्स आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, इट मीन्स देयर रेडियाई आर इक्वल. तो ट्रू है ये आपका, बिकॉज इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर. Therefore, their radii are equal. Equal circles coincide with each other. Therefore, their radii are equal. Now, the fifth part. If AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. अब आपको यहाँ पे three line segments given है, AB, XY and PQ. This is the fifth part, AB, XY, and PQ. He is saying that AB is equal to XY. AB is equal to PQ, and PQ is equal to XY. So this says that AB is equal to XY. Okay, Milan. Answer the question. Okay?
Ma'am, this statement is true. True. Ma'am, according to first axiom, things which are equal to same thing are also equal to one another. Very good. You are given over here that AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. Ab yahan pe same thing kya hai aapka PQ. PQ jo hai wo AB ke bhi equal hai. PQ jo hai wo XY ke bhi equal hai. तो आपका एक्सियम यहाँ पे यूज हो गया कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर. दिस इज योर एक्सियम वन. तो अकॉर्डिंग टू एक्सियम वन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. गिव द डेफिनेशंस. गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम. देखो अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है आपका पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में हम क्या कहते हैं दो लाइंस को हम पैरेलल कब कहते हैं. यस हर्षप्रीत, व्हेन विल यू से दैट द टू लाइंस आर पैरेलल. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट. यस, इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट देन वी विल से दैट द टू लाइंस आर पैरेलल. ओके, वेरी गुड. अब इसमें क्या क्या और हमें डिफाइन करने की जरूरत है. आपने ये कह दिया कि टू लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट. व्हाट अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. मैम, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली. दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन. और अच्छा चलो, हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन दे दी. उसके बाद पैरेलल लाइन की डेफिनेशन में जो आपकी चीजें यूज हो रही हैं उनमें से और कौन सी चीज आपकी फर्दर डिफाइन करने की जरूरत है. पॉइंट एंड मैम इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन वाला अगर लिखोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला भी आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइन. अगर इंटरसेक्टिंग लाइन वाला आपने नहीं लिया तो आपको लाइन बताना पड़ेगा. टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच हैव नो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर क्यों. वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस नॉट परपेंडिकुलर. टू स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट. ठीक है. अब इसमें पॉइंट एक आपका अननोन क्वांटिटी है. पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा. Then straight lines की जब हम बात कर रहे हैं तो again you have to define the line also. तो point के लिए आप लिख दोगे, book में आपके given है, a point is that which has no part. ये आप define कर दोगे क्योंकि उसने कहा है कि you आपको terms बतानी है which need to be defined first and what are they, how might you define them. तो you have to give the definition also. पहले आप parallel line की definition दे दोगे. Two straight lines are said to be parallel if they have no common point. उसके बाद जो terms आपको define करनी है, terms further to be defined, first आप दे दोगे point, then आप point की definition दे दोगे. A point is that which has no part. उसके बाद line की definition आपको देनी है. Line की definition भी आपने की हुई है. This has no, this is a breadthless length which can be, which is having infinite points lying on this, which can be, which has no end point. ये छोटी क्लासेस में सारा आपने किया हुआ है. This has length only, so this is a breadthless dimension. या आप ऐसे कर सकते हो, जो line है, that is a breadthless length and which has infinite points lying on it at equal distances, you can say. Or you can say also this can be extended on extended to both sides indefinitely. So aap kisi bhi way mein jo hai iski definition de sakte ho. So these two things are to be defined. Then second part, perpendicular lines. Perpendicular lines jo hai wo hum kab kahenge ki lines jo hai wo perpendicular hain. When lines intersect at a point and form 90 degree angles. When the two lines intersect each other at an angle of 90 degree, we say that the lines are perpendicular. When the two lines intersect each other at an angle of 90 degree, then we say that the lines are perpendicular to each other. So what will be the undefined term over here?
ma'am, right angle. Right angle, yes. You can have the undefined term over here as line and right angle. Right angle line तो हो गया, हमने पिछले question में भी किया है. How will you define the right angle? A 90 degree angle is called a right angle. Angle of 90 degree is called a right angle. Very good. अब जिन बच्चों ने theories की पढ़ी है, they are able to give the answer. तो यहाँ जहां से मर्जी questions आ जाएं, you can answer them easily. Now moving on to the third part. Third part हमारा क्या है? A line segment. Line segment. You line segment is a part of a line. Yes. And having a definition. When a line cannot be extended any further because it of its two end points, then the line is known as line segment. Yes. Very good. A line जो है, line segment जो है, a line segment has no has two end points. You can say this is a part of a line, or you can say that a line with two end points is called a लाइन सेगमेंट. अगेन यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन सी लेके चलोगे? पॉइंट्स. पॉइंट लेके चलोगे, और लाइन वर्ड भी यूज हो रहा है. इफ यू आर सेइंग दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, तो लाइन को भी डिफाइन करोगे और पॉइंट को भी डिफाइन करोगे. तो इनकी डेफिनेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गिविंग स्ट्रेस ऑन दैट अगेन. तो पहले आप डिफाइन कर दोगे लाइन सेगमेंट को. अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स या अ पार्ट ऑफ अ लाइन is called a line segment with two end points. Or undefined terms here are point and line. Point kya aa jayega aapka? A point is that which has no part. Or line kya aa jayegi aapki? Ki line jo hai, that is a breadthless length, jiski koi breadth nahi hoti, it is having only one dimension. Then fourth part hai hamara, radius of a circle. The distance from the center radius of a point on the circle is a line from any point on the circumference of the circle to the center of the circle. A line segment joining the center of the circle and any point on the circumference of the circle, that is called the radius. Or you may say that the line segment with one end point at the center and the other end point at on the circle is called a radius. So center यहाँ पे आपको define करना पड़ेगा. Center आप कैसे define करेंगे? Center of the circle. How will you define center of the circle? The midpoint of a circle. Midpoint of a circle. How can you say midpoint? Circle. It has equal. It is, उसका midpoint कैसे निकालोगे? It is the distance between the center point and the circumference of the circle is equal at all parts. You are saying distance between the center and the circumference. Circumference पे अगर मैं कहीं पे भी कोई point ले लेती हूँ, या you can say अगर आप नहीं ऐसे भी नहीं ले सकते, because आप जो definition दे रहे हो उसके अगर accordingly अगर मैं एक point यहाँ ले लूँ, एक point यहाँ ले लूँ, तो ये this is not passing through the center of the circle. और वैसे भी जब मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल को डिफाइन करना है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि दो एंड पॉइंट्स मैंने लिए, मतलब दो पॉइंट्स लिए मैंने सर्कमफ्रेंस पे एंड विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि जिसको मुझे डिफाइन करना है मैं उसको इन द डेफिनेशन यूज नहीं कर सकती. अब आई एम गिविंग यू द हिंट कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. रेडियस आपको पता है सब इक्वल होते हैं. सो हाउ विल यू डिफाइन नाउ? आई हैव गिवन यू अ बिग हिंट फॉर दिस. सेंटर इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एज. एंड वेयर शुड इट बी? इट शुड बी इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल? इनसाइड द सर्कल. सो अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर. सेंटर जो है वो सर्कल के अंदर एक पॉइंट होगा जिसका सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाए करने वाले सभी पॉइंट्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा. आई विल सेंड यू दीज डेफिनेशंस, यू नीड नॉट राइट. जल्दी जल्दी में कुछ गलत मत लिख लेना. सेंटर जो है दैट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट इनसाइड द सर्कल व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. देन द फिफ्थ पार्ट, दैट इज अ स्क्वेयर.
बहुत सिंपल है, ये किया हुआ है आपने बहुत बार. क्या होता है क्वाड्रेंट व्हिच ऑल फोर साइड्स आर सेट टू बी इक्वल. A polygon whose all sides equal is known as a square. Yes. A equilateral in which all four sides are said to be internal angle is and right angle. Internal angle is right angle. If one is speaking, then others don't interrupt, please. One by one, you are to give the answer. Yes, can I answer? May I? Yes. A polygon with all four sides equal and 90 degree angle at each. That is also correct. A polygon with four sides, you can say, or you can say a quadrilateral with all sides equal and all angles right angle is said to be a square. Or isme undefined terms kya hongi aapki? Mama, quadrilateral, quadrilateral or right angle. Quadrilateral and right angle will be the undefined terms over here. Now, moving on to question number 3. सेकेंड क्वेश्चन का अ वेरी गुड हैंड फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने ही सारे इसके आंसर्स दिए हैं, तो इट्स वर्थ एप्रिसिएशन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. नीचे हमें दो पोस्टुलेट्स गिवन है. फर्स्ट वन है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. हमें दो जो है वो गिवन है पॉइंट्स ए और बी, और एक थर्ड पॉइंट सी इस तरीके से गिवन है कि वो ए और बी के बीच में कहीं पे भी लाई करता है. सी कैन लाई ओवर हेयर, सी कैन लाई ओवर हेयर ऑल्सो, सी कैन लाई ओवर हेयर ऑल्सो. तो मुझे ये सिर्फ अभी क्या गिवन है कि टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी, एंड देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी के बीच में कहीं पे भी आप उसको ले सकते हो, ए बी से बाहर की तरफ इधर या इधर आप उसको नहीं लोगे. देन वी आर गिवन सेकेंड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. कम से कम तीन पॉइंट्स ऐसे आपके होंगे जो आपके एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करते हैं. डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. कि ये जो दो आपको गिवन है पोस्टुलेट्स, क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म आपकी है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये आपके पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑफ द सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन पे अगर आप उनको अप्लाई करते हो और वो ट्रू होल्ड करते हैं, अपनी ट्रूथनेस को होल्ड करते हैं, तो यू विल से कि दे आर कंसिस्टेंट. एंड डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन. दोबारा सुनो क्वेश्चन को. हमें गिवन है एक पॉइंट सी जो ए और बी के इन साइड लाई कर रहे, देन थर्ड सेकेंड हमें गिवन है एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो एक्सप्लेन करना है. यस, द अनडिफाइंड टर्म्स आर देयर. अनडिफाइंड टर्म्स लाइन पॉइंट है, यस पॉइंट एंड लाइन, लाइन है, वेरी गुड. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आल्सो यू कैन से. कंसिस्टेंट है, दीज आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशंस में ये आपके जो पोस्टुलेट्स हैं, जो आपको ये गिवन स्टेटमेंट्स हैं, वो होल्ड करती हैं. तो डिफरेंट सिचुएशंस में क्योंकि वो होल्ड करती हैं, बिकॉज दे डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस, सो दे आर कंसिस्टेंट. उसके बाद उसने क्या कहा पॉइंट, क्या ये पोस्टुलेट जो है वो यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाउ कैन यू से डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? पोस्टुलेट देखो बच्चे फाइव कौन कौन से. नो नो, दे डू नॉट फॉलो द, दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट. यूक्लिड के पोस्टुलेट में ऐसा कोई भी हमें गिवन नहीं है. अब यहाँ पे देखो दो डिफरेंट सिचुएशंस आपकी क्या बन रही हैं. पहली सिचुएशन तो ये होगी कि ए सी और बी आपको इस तरीके से गिवन है कि सी जो है वो हमेशा ए और बी के बीच में लाए कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जो अभी मैंने कहा था ना कि दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, वो बता रही हूँ मैं. और सेकंड आपको क्या गिवन था, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी,
और इसके अकॉर्डिंगली दिस इज पॉइंट सी विच इज नॉट लाइंग ऑन ए एंड बी. तो ये आपकी सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट गिवन है, ये आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गिवन है. तो ये दोनों जो हैं क्योंकि डिफरेंट उसके साथ डील कर रही हैं, सिचुएशन के साथ डील कर रही हैं, तो दीज आर कंसिस्टेंट बट दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. If any kind of doubt is there, then you can ask. Otherwise, we are moving on to the next question. Excuse me, ma'am. Yes, Vachi. Ma'am, please repeat the two different situations again. Okay. इसमें बच्चे देखो हमें question number 3 में क्या given था? Given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is in between A and B. इसका मतलब क्या था कि पॉइंट सी जो है दैट इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी. सी जो है दैट वाज लाइंग ऑन ए बी. ए बी दो पॉइंट्स गिवन थे, उनके ऊपर मतलब उनके साथ एक थर्ड पॉइंट सी दिया जो ए बी पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो गए, कोलिनियर हो गए. व्हेन यू आर गिवन थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो दे आर कोलिनियर, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. सेम सिचुएशन डिफरेंट कैसे बनी? Again, we are given three points A, B, C, but they are not lying on a same straight line. So it means अगर A, B, क्योंकि दो points से you know कि जब भी मुझे दो points given होंगे तो उनसे एक line जो है हम draw कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, अब A, B से एक line draw कर ली. C point जो है मैंने इस तरीके से ले लिया which is not lying on A, B. चाहे आप इसको यहाँ ले लो, चाहे आप इसको यहाँ ले लो. तो दीज थ्री पॉइंट्स जो है दे आर नॉन कोलिनियर. तो सेकेंड आपका क्या था, पॉइंट सी जो गिवन था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो देयर एग्जिस्ट थ्री पॉइंट्स नॉट ऑन द सेम लाइन, इट मींस सी इज नॉट लाइंग ऑन ए एंड बी. और फर्स्ट वाली टर्म क्या कह रही थी, सी इज लाइंग ऑन ए एंड बी. थ्री पॉइंट्स गिवन है, डिफरेंट सिचुएशन क्या हो गई, फर्स्ट सिचुएशन सी इज नॉट, सी इज लाइंग ऑन ए बी. सेकेंड सिचुएशन सी इज नॉट लाइंग ऑन ए एंड बी. तो ये जो सी ए बी का रिलेशन है ये दो डिफरेंट सिचुएशन के साथ डील कर रहा है. सो दिस आर कंसिस्टेंट, दे आर फॉर्मिंग अ कंसिस्टेंट, दे आर गिविंग द यू कैन से द कंसिस्टेंट डेफिनेशन, यू कैन से दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स, दे आर कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स. उसके बाद क्योंकि जो है ये आपके किसी भी पॉस्टुलेट की अगर हम जो देखें तो किसी भी पॉस्टुलेट में ये चीज जो है हमारी डिफाइन नहीं हो रही है, तो दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड्स पॉस्टुलेट. सो आई होप द टाइम इज ओवर. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. मेहर, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, बच्चे यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट. दोज हु आर नॉट हैविंग एनी डाउट दे कैन लीव एंड जॉइन योर नेक्स्ट क्लास. मैम हियर इज वन फैकल्टी. पार्डन मैम, माय नेम मेहर. योर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्चे. मैम शी सेड देयर इज अ फेक आईडी विद हर नेम. नो प्रॉब्लम बच्चे, नाउ तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द मीटिंग. नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर बीइंग सो अटेंटिव. नो प्रॉब्लम, डोंट वरी मेहर. ओके फाइन देन, आई एम एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू, हैव अ नाइस.